उम्र है आपकी? मेरी 72 साल। अच्छा। ऐसा कर रहे हैं हम तो जवान हैं। जवान है ना बुढ़ापा। तो फिर सरकार क्यों बार बार घर भेजने वाली बात कर रही है कि बुजुर्ग है ठंड लग जाएगी? मैं कह रहा हूं ना, बुजुर्ग कौन है, हम तो लौंडे हैं। अभी चले जाना, रुक जाओ। अरे चलो जाने दे, अभी दिखाएंगे। ये क्या कह रहे थे पहले बताइए, फिर अरे कुछ नहीं, पहले बताइए तो आप डरो। हां डर गंदे भाई साहब, एक मिनट तुम डर लियो, इधर को जाओ, थोड़े से डर लो कंधे पे। हां हां, मेरा वजन तोलना है, पूरे हो जाओ। कोई लो, ठीक है ठीक है। हां सही है। कितनी उम्र है मेरी, ऐसा मत मानना। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72 साल। अच्छा, अभी आप क्या करने जा रहे हैं? देखो क्या करता हूँ, ढोंडे ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ। देखो यार, देखो तो बूढ़े क्या कह रहे हैं, बूढ़े आके पड़ गए हैं। हम तो जवान हैं। जवान है ना बुढ़ापा। तो फिर सरकार क्यों बार बार घर भेजने वाली बात कर रही है कि बुजुर्ग है ठंड लग जाएगी? मैं कह रहा हूं ना, बुजुर्ग कौन है, हम तो लौंडे हैं। किसान आदमी का 72 साल का मैं तो लौंडा हूँ। जो किसान से अलग है वो मेरी गैल दौड़ सकता है, कुश्ती करो या 100 किलोमीटर साइकिल चलवाओ। किसान कभी बूढ़ा नहीं होता। नहीं होता। इतनी फिट कैसे जी, इतने तंदुरुस्त? हाँ खेती में काम करेंगे तो फिट रहते हैं जी भाई। जब खेती करेंगे और आदमी मेहनत करता है तो फिट तो रहता ही है, तो इसलिए फिट है हमारे ताऊ जी। ताऊ जी कहाँ से आए आप? एतमादपुर जिला मेरठ। जिला मेरठ। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ जी, जब सृष्टि पैदा करी थी ब्रह्मा जी ने तो सबको इकट्ठा करके एक शब्द दिया था, दे शब्द दिया था कि भाई इससे आप क्या समझते हो। तो जिन्होंने कही दया वो मनुष्य कहलाए, जिन्होंने कही दान वो देवता कहलाए, और जिन्होंने कहा दमन वो राक्षस कहलाए। तो आप सरकार को कौन सा दर्जा दे रहे हैं तीनों में, इनमें से राक्षस का हो क्या है वो जी? दमन कर रहे हैं तुम बताओ जी। नहीं, हम तो देख रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं। तो नहीं, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। दूसरी बात जी, हमारे गन्ने का पेमेंट 1.5 साल तक नहीं मिल रहा अभी, ठीक है जी। हमारा गन्ना प्रधान देश है, ये है नहीं हमारा क्षेत्र जी। बिल्कुल, हमने भी लगातार देखा है कि आपकी पर्ची 0-0 लिखा आ रहा है। ये क्या है, 73,000 करोड़ रुपए रिकॉर्ड गन्ना मूल भुगतान कर प्रथम नंबर 1। अभी तक इतना हुआ नहीं हमारा। अच्छा, हेलो, अभी पिछले साल का रुका है, सिंभावली मिल से कहीं से पूछ सकते हैं आप। तो ये किताब पहले छपा दी सरकार ने, देख लो सब झूठे काम प्रचार। भाई मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो दादाजी ताऊ जी ने जो बुक दिखाई है यहाँ साफ 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 लिखा हुआ है। ये सब खूबियाँ लिख रखी हैं उन्होंने जी। तो क्या क्या खूबियाँ आपको मिली ये बताइए। नहीं मैंने तो ये एक ही देखी है, मैं तो बिना पढ़े आदमी हूँ भाई। इनमें से जो खूबियाँ लिख रखी है मैं बता रहा हूँ, आप ही देख लो। हाँ, मैं तो एक जानू गन्ने का किसान हूँ। नहीं नहीं, इनने कुछ नहीं लिख के रखा है कि आपको ये मिलेगा, तो इनमें से क्या क्या मिला है आपको? 25 लाख घर बने। क्या क्या नहीं देखना, मुझे तो जब गन्ना बोता हूँ गन्ने का देखना था। ठीक है, अब गन्ने का अब सुनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मान लो गन्ने का हमें वो 1.5 साल तक नहीं दे रहे। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, एक सुई मेरे बाल काटने के लिए, कांटा निकालने के लिए सुई, एक कप चाय, एक टाइम की रोटी, कपड़ा, अगर पूरी दिल्ली मुझे 1 साल के उधार दे दे तो अभी मैं डूब के मर जाऊँगा। दुआ दो, नहीं दे सकती, दे सकता कोई उधार 1.5 साल को? ठीक है, अब सुनो, मैं सारी दिल्ली को देता हूँ, इकला सारी दिल्ली को रोटी कपड़ा और मकान और
पैसे जब हमारे मिलेंगे जब देंगे, और काम पांच चीज दूंगा, सारी दिल्ली छोड़ के दो दो चार चार किसानों को यहाँ पहुँच जाए, सब चीज देंगे। जाओ, सारी दिल्ली को मैं ऐलान कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे देंगे आप ऐसे? अरे दो दो चार चार पूरे देश में किसानों के यहाँ पहुँचो। हाँ। और वो कहो मैं हम यहाँ आए दिल्ली से। अच्छा। रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज मिलेंगी, काम मिलेगा और दाम मिलेगा, भेज दो सारी दिल्ली को। और ये सारी दिल्ली मुझे नहीं, मेरे अकेले की पूर्ति नहीं कर सकती, करवा दो। ठीक है, अब पढ़ाई पे आ जाओ जी। पढ़ाई शुद्धि ओर से तो सब पढ़ रहे हैं, मैं उल्टी ओर से पढ़ता हूँ। ठीक है, एक से एक दो भी होते हैं, एक से एक ग्यारह भी होते हैं। मैं बारह बना दूंगा। कैसे? अभी सुनो, जब हम मैंने दो क्लास पास करी हैं, पहली क्लास के उल्टी तरफ पन्ने पे लिखा हुआ होता है बारह है खड़ी। देखी आपने? नहीं देखी? नहीं देखी। होती है, होती है बारह खड़ी। आपका क्या नाम है? अजीत सिंह। तुम्हारे नाम का पहला अक्षर आया ए। बारह खड़ी क्या होती है? ए आ ई ई ऊ ए ऐ ओ औ, बारह सर। ये बारह खड़ी होती है, ये पढ़ रहे हैं। मैं मुझे बता दो इतनी, ये तो किसान है जो एम ए है, आप उससे पूछिए कि बारह खड़ी क्या होती है। मुझे पता नहीं होगा, जाओ पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है जी, बताओ। तब तो आपको मतलब कैसे ऐसे इतने, आप 72 साल उम्र हो गई है, आप अभी तक भूले नहीं है बारह खड़ी? अरे जो चीज भाई, अगर मैं तुम मेरी मजाक उड़ाओगे, नहीं नहीं थर्ड क्लास बात है कह दूं, हंसोगे तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी, बोलिए आप। कोई तो कहता है गैस पास हो गई जी, हम कहते हैं अरे इसने पाद मार दिया। भाई दिल्ली वालों को तो यो भी पता नहीं पाद की परिभाषा क्या है, पाद क्या प्रकार का होता है, ये बताओ। सब मारते हैं, पता है? नहीं जी, बताइए। तीन प्रकार का होता है, ठू ठा ठस। अच्छा, तब ये क्या इसमें बदलाव है टूटा ठस में? अरे ऐसा ही होता है, मैं कह रहा हूँ, रद्दी बात का भी जवाब उन पर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और पढ़ी हुई है तो मैंने दो बुझी हैं, ब्रह्मा वाली, उनमें से कौन से हैं ये आप नहीं बता रहे? बारह खड़ी पूछी है, अगर पढ़े हुए हैं तो ये बताओ। मैं आप एम ए से किससे पूछो भाई, और मैं बेपढ़ा हूँ, मुझे माफ करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ठीक है।